प्रदेश में चल रही तबादला नीति में लगातार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। इसमें कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना किसी विवाद के कारण उनका तबादला किया जा रहा है और उन्हें ये दुख झेलना पड़ रहा है। इसी को लेकर बुधवार को भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय इंदौर के कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। जब से कांग्रेस सरकार प्रदेश में आई है तब से लगातार रोजाना बड़ी संख्या में किसी न किसी विभाग के तबादले किए जा रहे हैं। इसी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार अधिकारी और कर्मचारी द्वारा नेताओं के साथ विवाद होने पर भी तबादले की मार झेलनी पड़ रही है। पिछले दिनों इंदौर की महिला आरक्षक ने कांग्रेस नेता के भतीजे की गाड़ी रोक कर उसका चालान बना दिया था, जिसमें विवाद की स्थिति बनी थी। तब तो मामला शांत हो गया था, परंतु दो दिन पहले उक्त महिला आरक्षक का तबादला कर दिया गया, जबकि आरक्षक ने नेता के भतीजे को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया था, जिसकी सजा उसे दी गई। इसी के तहत भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तबादला नीति के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि पैसा लेकर कांग्रेस सरकार तबादले कर रही है, जिसका खामियाजा ईमानदार अधिकारी और कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले में विधायक रमेश मेंदोला का कहना था कि ईमानदार अधिकारी और कर्मचारियों के साथ कांग्रेस सरकार गलत कर रही है। जिस प्रकार महिला आरक्षक का गलत तरीके से तबादला किया गया है, उसे प्रदेश सरकार को वापस लेना चाहिए। ज्ञापन के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हम ज्ञापन देने आए थे, माननीय राज्यपाल जी के नाम पे ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को और उनसे निवेदन किया कि ये ट्रांसफ़र को भी रोका जाए और इस प्रकार के सभी मामलों को संज्ञान में लिया जाए। माननीय रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में आज हमने ये ज्ञापन दिया है। हाँ देखिए, वो तो सबने साफ साफ देखा है, वीडियो वायरल हुआ था और सभी को पता है, सारे अखबारों में खबरें चल रही है, तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मगर ऐसा हर जगह हो रहा है, तो इनका सोनू वाजपेयी जी का ट्रांसफ़र तो रुकना ही चाहिए और ऐसा हर जगह राज्यपाल महोदय, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो राज्यपाल महोदय से हमारा निवेदन है कि वो इस पर सख्ती से निर्णय करें ताकि जनता के जीवन में सुख समृद्धि शांति पुनः लौटे। अगर भाई कल जिस प्रकार जीतू पटवारी ने बयान दिया है कि भाजपा के नेता जिस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अभी दो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आगे और शामिल हो सकते हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? खासकर भाई साहब कहकर उन्होंने संबोधित करते हुए टिप्पणी की है, जिसको देखिए हम तो जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं और जनता अपने मन से कांग्रेस को निकाल चुकी है लोकसभा चुनाव में, इस बात का हमें पूरा प्रमाण मिला है। तो जब भी अब औपचारिकता मात्र शेष है, जब भी उसका क्षण समय आएगा, मुझे लगता है कि पुनः भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी, पुनः सुख समृद्धि शांति लौटेगी। तो ईमानदार अधिकारियों यहाँ जो काम करना चाहता है उसको करने नहीं जाता और उनको लगता है, डर लगता है कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया तो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए जितने यहाँ अधिकारी हैं, चाहे प्रशासन के हों चाहे पुलिस के हैं, सब में भय व्याप्त, सब काम नहीं करना चाहते हैं। काम करेंगे तो कुछ होगा और उसके परिणाम वो भुगतने, उनको भुगतने पड़ेंगे, इसलिए वो काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि पुलिस भी अभी इतनी सुस्त हो गई है कि अभी डकैती हुई अपने OMX2 में और इतनी बड़ी डकैती, उस परिवार को बंधक बनाए, उनके साथ मारपीट करी और वहाँ पे पूरा जो उनका सामान था, जो कपड़ा व्यापारी हैं, उनका जो सामान था, जो पैसा था, जो नकदी थी, वो सब लेकर चले गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई। ये डकैती की इतनी बड़ी घटना है इंदौर शहर में और उसकी मामूली धारा चोरी में उसको उसकी रिपोर्ट दर्ज की, तो अधिकारी लोग काम करना नहीं चाहते। पता नहीं वो जो डकैत हैं वो कांग्रेस से संबंधित नहीं हो, कल हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, इस डर से सरकार पुलिस विभाग भी काम करने को तैयार नहीं कि हम पता नहीं अभी है अगर हमने कोई कार्रवाई की, डकैती की रिपोर्ट लिख ली तो कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो जाए। तो ये सब जो अपराधियों से साठ गांठ जो यहाँ पर जो अवैध धंधे करने वाले उनके साठ गांठ जो है, उनके कारण ही पूरा प्रशासन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, हतोत्साहित है, उनमें जो काम करने की जो लगन वो है, तो जो पूरी जब कानून व्यवस्था वो चरमाई हुई, तो इस कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने आज राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया कि साहब ये हमारा जो ज्ञापन है वो आप हमारे माननीय राज्यपाल जी तक पहुँचा दें। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।